मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात करना ही नहीं चाहते। एक दोस्त के इतना कहते ही दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को गर्मजोशी से पकड़ लिया। एक ने दूसरे के हाथों पर दोस्ती में रची बसी हल्की सी चपेट भी लगा दी और कुछ देर तक हंसी यूं ही गूंजती रही। एक दोस्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री और दूसरा सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का राष्ट्रपति। इस दौरान ट्रंप और मोदी की मुलाकात का इंतजार सबको था। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो गई थी क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुलाकात के दौरान कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान से हालात कुछ तिलक हो गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी, हमेशा हमारे बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। लेकिन जैसे ही फ्रांस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात आगे बढ़ी, ट्रंप को लेकर पिछले कुछ दिनों में बनी अविश्वास की छवि भी होती दिखी। मुलाकात में दोनों नेताओं की सहजता से ऐसा लगा मानो पुराने दोस्त कई दिन बाद मिले हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।